हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम कुछ अब सीखने वाले हैं। और आज जो हम सॉन्ग सीखेंगे उसका नाम है मन मेरा, फ्रॉम द मूवी टेबल नंबर 21। काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग था, गजेंद्र वर्मा ने गाया था ये सॉन्ग। तो आज हम देखते हैं कि इसकी कॉर्ड्स कौन से होंगी, स्ट्रमिंग कौन से हम यूज़ करेंगे और कैसे ये गाना प्ले किया जाएगा गिटार पर, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ओपन कॉर्ड्स हम देख लेते हैं। इसकी तीन ओपन कॉर्ड्स होंगी, ए माइनर, दूसरी होगी जी मेजर, तीसरी होगी एफ मेजर। तो अब हम देख लेते हैं कि ए माइनर कॉर्ड हम कैसे पकड़ते हैं। तो ए माइनर पकड़ने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे और अपनी रिंग फिंगर सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, लाइक दिस। और यहाँ से पांच स्ट्रिंग हम हिट करेंगे, जो बस ऊपर वाली को हम एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सब दिस इज ए माइनर। तो दूसरी कॉर्ड हम देख लेते हैं, दूसरी कॉर्ड है जी मेजर। और उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर थर्ड फ्रेट के सिक्स्थ स्ट्रिंग पे और अपनी रिंग फिंगर थर्ड ही फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, दिस इज जी मेजर। और जो तीसरी कॉर्ड है एफ मेजर, वो बिगनर्स के लिए टफ है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर रखनी है, मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट के थर्ड पे, रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे और अपनी पिंकी फिंगर थर्ड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे। तो ये हो गया आपकी एफ मेजर। और अगर आप जो है केपो का यूज़ करते हैं, जो कि ये है, और आप इसको लगाते हैं 3/5, आप इसको लगाते हैं फिफ्थ स्ट्रिंग पे यहाँ, तो अब जो आपकी कॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी और बहुत ही इजी कॉर्ड हो जाएंगी। अब जो आपकी कॉर्ड्स हैं वो है ई माइनर, डी मेजर और सी मेजर, और बहुत ही कम यूज़ होगी जी मेजर। तो जी मेजर तो आपको पता ही कैसे पकड़नी है। ई माइनर के लिए आपको क्या करना है, अब जो ये वाला फ्रेट है ये बन गया सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला। तो ई माइनर के लिए आपको अपने सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग पे अपनी मिडिल फिंगर और सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे अपनी रिंग फिंगर, बाकी दो फिंगर्स जो हैं वो खाली रहेंगी। दूसरी कॉर्ड देख लेते हैं जो है डी मेजर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे और अपनी रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, लाइक दिस। और नीचे के जो है फोर स्ट्रिंग्स आप प्ले करेंगे। और जो आपकी सी मेजर कॉर्ड है, लास्ट कॉर्ड, वो इजी है, बस उसमें थोड़ी फिंगर्स ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, लेकिन ईजी है। तो उसके लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे और अपनी रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे। तो ये हो गई आपकी सी मेजर, और जी मेजर तो आपको पता ही है। तो ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर और जी मेजर। तो अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रमिंग पैटर्न की, कि इस सॉन्ग में कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ होगा। वैसे तो आप 4/4 का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ वो अगर आप यूज़ करेंगे तो वो मतलब ईजी रहेगा और उससे साउंड भी अच्छा होगा। तो वो है डाउन अप, अप डाउन, अप अप डाउन, डाउन अप। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। पहले है डाउन, इसे तीन पार्ट्स में आप डिवाइड करिए, डाउन, फिर दूसरा अप, अप डाउन और तीसरा भी अप, अप डाउन, डाउन अप, अप डाउन, अप अप डाउन, डाउन अप भी ले लीजिए लास्ट में, जो फिलर का काम करेगा। तो कॉर्ड्स पे देख लेते हैं कैसा साउंड करेगा। की ऐसी आवाज़ निकलेगी श्रमिंग के साथ। और हार्ट बीट श्रमिंग भी हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी को हार्ट बीट प्ले करना है तो वो भी बहुत इजी है, वो है ऐसे कुछ। तो जिन्हें हार्ट बीट प्ले करनी आती है वो समझ गए होंगे, और जिन्हें नहीं आती है बता देता हूँ। पहला हमने लिया किक प्लस स्ट्रम, ये किक भी और स्ट्रम भी, दो बार ये लेना है ऐसे। और तीसरा है स्ट्रम प्लस स्नेयर,
फिर अप डाउन अप और फिर किक, फिर स्ट्रम प्लस स्नेयर। तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉर्ड्स, इसकी स्ट्रमिंग, इसकी हार्ट बीट स्ट्रमिंग सब समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉर्ड प्रोग्रेशन को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आ सके कॉर्ड्स कहाँ पर चेंज करनी है, किस तरह चेंज करनी है, कहाँ पे कौन सी कॉर्ड यूज़ हुई है। और गाने को मतलब इन्जॉय भी करिए कॉर्ड प्रोग्रेशन में। और अगर अभी तक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो उसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सारी रात आए बनता पल पल यादों में।